बस तीन लेंगे ये हो गया, बस हो गया तीन, ऐसे ही ले लो। ये फुल सही लग रहा है, देखो ये बेटर है, ये सही लग रहा है। दो लेने छोटे है ना। हाँ, है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक्स चैनल। आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल मस्त हैं। सो हेलो, नमस्कार, वड़कम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, केम नाशो, सब कुछ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं और ये हॉलीडे सीजन किस तरह से सेलिब्रेट और इन्जॉय कर रहे हैं। और आज है व्लॉग मस डे सिक्स, डे सिक्स आ गया गाइज। मतलब हर दिन का व्लॉग आ रहा है। आई रियली होप आपको ये व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, हमारी मस्ती पसंद आ रही है। और अभी बज रहे हैं शाम के एज़ यूजुअल 4:30। आज है संडे, सो हैप्पी वीकेंड्स गाइज। आई होप आपका वीकेंड अच्छा जा रहा है। कल हम लोग गए थे इन ऑर्बिट मॉल क्योंकि मुझे ग्लासेस लेनी थी लेंस कार्ट से, तो वो ग्लासेस डिलीवर होंगी एक हफ्ते बाद, तो हम लोग शायद नेक्स्ट वीकेंड फिर जाएँ वो ग्लासेस पिकअप करने के लिए। और लेंस कार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सब चीज़ का ध्यान रखा है, सैनिटाइजेशन करना, जिस तरह से उन्होंने आईज़ का चेकअप किया, क्योंकि मेरा जो पावर चेकअप हुआ था मेरे ग्लासेस का, लेंसेज का, वो चेकअप हुआ था ऑलमोस्ट लाइक ईयर एंड हाफ अगो, डेढ़ साल से चेकअप नहीं हुआ था ग्लासेस मेरे लेंसेज का, तो पावर इतने समय से पता ही नहीं थी कि वो बढ़ी है या वही है, कांस्टेंट है। तो वहाँ के जो जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके जो आपने ग्लासेस पहने हैं उसी का पावर आपको लगेगा या आपका चेंज हुआ है? तो मैंने बोला जब से तो कोविड स्टार्ट हुआ है कहीं भी बाहर कोई गया नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। तो उनके पास इतना अच्छी तरीके से चेक करने का और पूरा जो प्रोसीजर है बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही फ्रेंडली है। तो ये इन ऑर्बिट मॉल में जो लेंस कार्ट है वहाँ पर हम लोग गए थे, बहुत ही अमेजिंग स्टाफ, बहुत ही सैनिटाइजेशन के साथ वो सबकी डीलिंग कर रहे हैं। जो भी आप स्पेक्स या ग्लासेस ट्राई कर रहे हैं उनको वो लोग जब आप पिकअप कर लेते हैं तो वो आपको दे देना होता है, वो काउंटर पे रख दीजिए, वो फिर से उसे सैनिटाइज करके फिर वो वापस रखते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और उन्होंने जिस तरह से मेरा चेकअप किया, आपने क्लिप में कल देखा होगा, वो एक्चुअली जो मशीन होती है जो आपकी आंखों पे लगती है और उसके अंदर लेंस लगे रहते हैं, दो टाइप के लेंस लगे रहते हैं, तो उससे उनको पता चलता है कि हाँ ये इनका पावर है। तो मेरे जो थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस 3 साल में मेरा पावर नहीं बढ़ा, 3 साल से मैं वही स्पेक्स लगा रही हूँ और उतनी ही है, तो थैंक गॉड। पर जो अमेजिंग एक्सपीरियंस था, अगर आप लोगों को कहीं आई चेकअप कराना है, आप सोच रहे हैं कि आई चेकअप कराना है और ग्लासेस बनवाना है, आप लेंस कार्ड ज़रूर जा सकते हैं। उनके यहाँ बहुत ही अमेजिंग डील भी चल रही है, कुछ कुछ ब्रांड्स पर बाय वन गेट वन फ्री है, तो आप एक ग्लासेस लेंगे तो दूसरा जो पैर होगा वो जो दूसरा ग्लास होगा वो फ्री मिलेगा, आपको फ्रेम फ्री मिलेगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और आज की दिन की शुरुआत हो गई है, मैंने अब थोड़ा बेडरूम में सफाई करी है, वैक्यूम कर दिया मैंने और कुछ कपड़े मैंने धुल के निकाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उनको तय लगा लूँ क्योंकि काम तो रहते ही हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हो। और शाम में बनेगा पोहा, तो वो हम इंजॉय करेंगे चाय के साथ। और फिर से हमें जाना होगा इन ऑर्बिट मॉल नेक्स्ट वीकेंड, तो देखते हैं कब जाते हैं, मे बी सैटरडे को जाएं, मे बी संडे को जाएं, श्योर नहीं है। तो चलिए फटाफट से तय लगा लेते हैं कपड़े। और आप देख पा रहे हैं हर दिन का व्लॉग हर दिन पोस्ट कर रही हूँ मैं, मतलब कल तो
लिटरली बहुत बैंड बज गई थी क्योंकि कल हम लोग बाहर से आए सब सामान वगैरह लेकर, आते आते 7:30-8 हो गया था और उसके बाद फिर मैंने तुरंत सारी जितनी भी मैंने रिकॉर्डिंग करी थी उसको एडिटिंग पे लगाया, उसको ट्रांसफ़र किया फाइल्स को, फिर एडिटिंग पे किया। एडिटिंग करते करते 1.5 घंटा लग गया। तो गाइस बहुत मेहनत का काम होता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है। तो आई रियली रियली होप आपको ये मेरी मेहनत पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि हमारी आप ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाएं, और शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो भी हमारे इस प्यारे से फैमिली का हिस्सा बन जाएं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं ये व्लॉग्स। और गाइज मेरे को आपके साथ एक बड़ी अच्छी सी टिप शेयर करनी है। आपको याद है December 1st को हमारे हबी जी ने मंथ हमारा बर्थडे मंथ स्टार्ट होने की खुशी में कार्नेशंस गिफ्ट किए थे, तो वो 10 कार्नेशंस थे और आज है December 6th। तो आज है December 6th और 6 दिन हो गए उन फ्लावर्स को आए हुए, और मैं आपको दिखाती हूँ वो आज भी कितने अच्छे से फ्रेश है। उसकी एक बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आपको भी फ्लावर्स का शौक़ है और आप चाहते हैं वो कुछ दिन टिके रहें आपके घर में, तो आप ये ट्रिक आजमा कर ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। लोग आ गए हैं अपने लिविंग एरिया में और आपको पता है कि जो कार्नेशंस है, जो हमारा वास है, वो लिविंग एरिया में ही है। और ये देखिए आप इतने अच्छे तरीके से आज भी इतने बेहतरीन तरीके से ये खिले हुए हैं। देखिए गाइस कितने अच्छे तरीके से आज भी ये खिले हुए हैं। तो इसमें से मैक्सिमम जो हैं वो खिले ही हुए हैं। ये एक सूख गया है और यहाँ पे एक सूखा हुआ है जिसके प्राण निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन बाकी आज भी उतने ही फ्रेश हैं, आप देख पा रहे हैं जैसे Day 1 पे थे। तो ये ट्रिक आजमा कर आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। इस तरीके से आपके जो फ्लावर्स हैं लंबे समय तक टिके रहेंगे। तो इस ट्रिक से आप ये काम कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारे कार्नेशंस आज भी कितने खिले खिले से दिख रहे हैं। तो यही रीज़न है। और ये मुझे ट्रिक कहाँ से पता चली थी, पूछो कहाँ से पता चली थी, ये जहाँ पर हमने ऑर्डर किया था जिस वेबसाइट से, जो मैंने आपको एक ब्लॉग में भी बताया है, flowersaura.com शायद यही है, उन लोगों ने ये टिप दी थी। ठंडियाँ आ चुकी हैं कहीं पे, मतलब हैदराबाद में ठंड किया लेकिन फिर भी कूल वेदर हो गया है और काफ़ी जगहों पे ठंडी चल रही है। तो ठंडी में तो वैसे ही फ्लावर्स बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी मुरझाते नहीं हैं। तो अगर आपको फ्लावर्स का शौक़ है और आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो बेझिझक उन्हें ऐसे गिफ्ट करिए और उन्हें बता दीजिए कि इस तरीके से ना तुम 6-7 दिन तक आराम से फ्लावर अपने पास रख सकते हो। अगर कोई गिफ्ट नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, खुद को गिफ्ट कर लीजिए आप, उसमें क्या है। सेल्फ पैम्पर सेल्फ लव, हैशटैग सेल्फ पैम्पर सेल्फ लव। तो बस मैंने सोचा कि आपके साथ ये इंटरेस्टिंग सी टिप शेयर कर दी जाए। और चलिए मैं बना लेती हूँ पोहा और चाय और फिर मैं आपसे कैचअप करती हूँ, ठीक है। सो गाइज अभी हो रहे हैं रात और शाम के बीच का समय चल रहा है 7:15। तो संडे खत्म होने को है, कल से दिहाड़ी मंडे स्टार्ट है जिसके लिए हम बहुत ज्यादा नहीं एक्साइटेड हैं, लेकिन कर्म ही पूजा है, उसी से हमारी दाल रोटी चलती है। सो लेट्स बी ग्रेटफुल, लेट्स बी थैंकफुल। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे कंक्लूड, यहीं पे खत्म। और आज था संडे तो आज हम लोग लेकर आए सब्जियां, क्योंकि सब्जी वाले भैया आए थे तो हमने सोचा कि क्यों नहीं कुछ हरी भरी सब्जियां ले लिया जाए। और हम लोग लाए हैं आज पालक लाए हैं। तो आज हम लोग रात में बनाएंगे पालक से रिलेटेड क्या बनेगा वो देखना पड़ेगा, पर बनेगा पालक क्योंकि हमारे फ्रिज में है नहीं जगह, ठीक है। जो सब्जियां आई हैं वो तो ऐसी लग रही है जैसे मतलब 2 हफ्ते की हैं, ठीक है, लेकिन हमारे फ्रिज में आएगी सिर्फ 3-4 दिन की सब्जियां। तो पहले पालक निपटाते हैं, उसके बाद फिर सारी चीजें बनाते हैं। ये तो राइम हो गया, आई एम अ पोएट एंड आई डोंट इवन नो इट।
क्या करना है आपको सब कुछ पता है, आप जल्दी से इसको फटाक से एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कंजूसी क्यों गाइस, लाइक करना बिल्कुल फ्री है, फ्री में लाइक करते हो आप लोग, लाइक कर दो प्लीज प्लीटी प्लीज। तो लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आया है, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो हमारी ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और आप भी हमारी फैमिली का फटाक से हिस्सा बन जाइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन की बेल बजाएं, टिंग टिंग टिंग, वो माता रानी की घंटी है उसे क्लिक जरूर करिएगा, उससे आपको मेरी नोटिफिकेशंस आ जाया करेंगी। और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि व्लॉगमस सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्योंकि बहुत मेहनत जा रही है इसके अंदर। अप्रिशिएट करेंगे तो और भी मोटिवेशन आएगी, नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो मैं मेहनत करती जाऊंगी ताकि आप अप्रिशिएट करें। तो गाइज बस इस छोटे मोटे से ब्लॉग को हम करते हैं कंक्लूड, फिर मिलते हैं आपसे, आपके इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। ध्यान रखिए, स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, कीप स्माइलिंग एंड लोड्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।